नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सूबे का सियासी पारा भी चढ़ता नजर आ रहा है। सभी सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी भी शुरू कर दी है। इसी क्रम में सत्तारूढ़ बीजेपी आज से प्रदेश में 18 महानगरों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वाराणसी से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा अलग अलग नेता अलग अलग महानगरों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जहां एक ओर वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे, तो वहीं प्रयागराज में यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह शिरकत करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में रहेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में और सुनील बंसल राजधानी लखनऊ में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश और केंद्र सरकार के तमाम मंत्री भी अलग अलग जिलों में शामिल होंगे। बता दें कि बीजेपी 6 से 20 सितंबर के बीच प्रदेश भर में ये सम्मेलन आयोजित करेगी। पार्टी का लक्ष्य है कि वो सभी 403 विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित कर पार्टी के पक्ष में समर्थन जुटाए। तो 2022 को लेकर तमाम पार्टियां पूरी बिसात बिछाने में लगी हुई हैं। जनता तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है और जनता को समझने की भी कोशिश लगातार की जा रही है। बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और जनता के बीच जा रही है, और इसी सिलसिले में एक प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत आज होने जा रही है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं वो पहुंचे हुए हैं। यहां से इसकी शुरुआत होगी, जो कि 18 महानगरों में की जाएगी, ताकि इन 4.5 सालों में प्रदेश सरकार ने जो किया वो जनता तक पहुंचे। केंद्र सरकार जो योजनाएं लेके आ रही हैं वो भी जनता तक पहुंचनी शुरू हो जाए। तो अभी से ही तमाम तैयारियां बीजेपी करने में लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सूबे का सियासी पारा भी चढ़ता नजर आ रहा है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो बीजेपी 6 से 20 सितंबर के बीच प्रदेश भर में ये सम्मेलन आयोजित करेगी। पार्टी का लक्ष्य है कि वो सभी 403 विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित कर पार्टी के पक्ष में समर्थन जुटाए। तो बीजेपी 6 से 20 सितंबर के बीच प्रदेश भर में सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। पार्टी का लक्ष्य साफ है कि सभी 403 विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित कर पार्टी के पक्ष में समर्थन जुटाए जाएं। तो इन 4.5 सालों में जो बीजेपी ने काम किया है प्रदेश में, वो कितना उनके लिए लाभदायक रहा है और कितना जनता तक पहुंचा है, जनता इस बारे में क्या सोचती है, तमाम चीज़ें जो हैं उन पर नज़रें रखी जा रही हैं। और बीजेपी एक पूरा रिपोर्ट कार्ड अपनी सरकार का तैयार कर रही है, और इसी रिपोर्ट कार्ड से फिर आने वाले समय में पता लग जाएगा कि जनता का हित क्या है, जनता कहाँ सोच रही है, जनता किस ओर सोच रही है। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, तमाम राजनीतिक पार्टियां, छोटे छोटे दल भी बीजेपी के जिस तरह से लगातार लगी हुई है चुनाव में बिगुल फूंकने में और पूरी ताकत झोंकने में, वैसे ही छोटे छोटे दल भी, तमाम विपक्षी दल भी लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं कि जनता तक कैसे पहुँचा जाए और जनता के बीच कैसे अपनी जगह बनाई जाए। तो ये कोशिश लगातार की जा रही है, और इसी सिलसिले में बीजेपी भी पुरजोर कोशिशों में लगी हुई है। तो है इसी प्रबुद्ध सम्मेलन पर मायावती बोली हैं कि बसपा की नकल कर रही बीजेपी। उधर बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन पर मायावती ने तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से डरी बीजेपी ने अब उसके सम्मेलन की नकल करनी शुरू कर दी है। तो बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने भी बीजेपी पर हमला किया है और कहा है कि इस बार 80% ब्राह्मण बसपा के साथ है, बाकी का 20% अन्य दलों में बटेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आपको जानकारी दे दूं कि बसपा बहुत दिनों पहले से ही एक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन चला चुकी है और ये ब्राह्मणों को साधने की पुरजोर कोशिश हो रही है। तो जब बीजेपी भी ये कोशिश कर रही है, तो ऐसे में बसपा प्रमुख मायावती ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से डरी बीजेपी ने अब उसके सम्मेलन की नकल करना शुरू कर दिया है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने भी
बीजेपी पर हमला किया और कहा कि इस बार 80% ब्राह्मण बसपा के साथ हैं, बाकी का जो 20% बचा हुआ है वह अन्य दलों में बढ़ जाएगा। उनका कहना है कि बीजेपी के जो भी कोशिश है और बीजेपी पर अब पूरी तरह से ब्राह्मण विश्वास नहीं करते हैं, ये तमाम बातें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही है। तो मायावती ने तीखा हमला बोला, कहा कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से डरी बीजेपी ने अब उसके सम्मेलन की नकल करनी शुरू कर दी है। वहीं बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद मिश्रा ने भी बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि 80% ब्राह्मण बसपा के साथ हैं, बाकी का 20% अन्य दलों में बढ़ जाएगा। उनका कहना है कि बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए लखनऊ ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रूबी, बसपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन ब्राह्मणों के लिए और इसके बाद बीजेपी का भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, वो भी क्या ब्राह्मणों के लिए है? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि ये जो सम्मेलन हो रहा है इसका औचित्य क्या पड़ा, वजह यही पड़ी इसीलिए क्योंकि जैसे बीएसपी कटाक्ष कर रही है और अब बीजेपी उसी तर्ज पे हर जगह पे पूरी तरीके से 403 विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करेगी। ये लगभग 6 से 20 सितंबर के बीच में प्रदेश भर में चलेगा और लगभग जितने भी राजधानी हो या फिर कानपुर, प्रयागराज हो या बनारस हो, बनारस में सीएम योगी खुद सम्मेलन करेंगे, कानपुर में डिप्टी सीएम केशव मौर्य है वो सम्मेलन में भाग लेंगे और लखनऊ में जो सुनील बंसल है उनको शामिल किया जाएगा। तो ऐसे में ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि प्रबुद्ध वर्ग जो होंगे उसमें लगभग जितने भी जो प्रधान होंगे उन सभी लोगों को शामिल किया जाएगा। अब बीएसपी का भी बिल्कुल रूबी, तो कितने समय में इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि जानकारी मिल रही थी कि आज से ही इसकी शुरुआत होने जा रही है? देखिए, लखनऊ में जो सम्मेलन है वो शाम 5 बजे रखा गया है जिसमें यहाँ के जो लखनऊ में सीएम सुनील बंसल है वो शामिल होंगे और बनारस में योगी के सम्मेलन की बस शुरुआत हो चुकी होगी और अभी तक थोड़ी देर में तस्वीरें आ जाएंगी कि उस सम्मेलन में आखिर क्या रहा क्या। और अयोध्या के स्वतंत्र देव शामिल होंगे, कानपुर में डिप्टी सीएम केशव मौर्य शामिल होंगे। अब देखना यह होगा कि इन सम्मेलन के माध्यम से आखिरकार बीजेपी अब नया क्या सुगुफा छोड़ती है, या ये कह सकते हैं कि जो बीएसपी के आरोप है, यानी कि अब समय कम बचा हुआ है और ऐसे में जनता के बीच में जाने का एक बहाना होना चाहिए, वो ये इसी के माध्यम से बाहर बिल्कुल। और बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, एक एक मौका लगातार बीजेपी ढूंढ रही है कि कैसे जनता के बीच जाया जाए। लेकिन बसपा जिस तरह से बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि जिस तरह से बसपा ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की है, अब बीजेपी भी उसी तर्ज पर चल रही है, नकल कर रही है, तो क्या बसपा को कोई कॉपीराइट है ब्राह्मणों के लिए आगे बढ़ने का, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने का? देखिए, ये कहना बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि पहले भी बसपा पे कई लोगों का, विपक्ष पार्टी का यही आरोप होता था कि दलित को रिझाने की, यानी कि वो उन्हीं की ही पार्टी का ही हिस्सा मानती थी, यानी कि दलित वोट बैंक को मजबूत करने के लिए वो बात करती थी। फिर थोड़ी देर के बाद देखने को मिलता है वो ब्राह्मण को रिझाने में लगी। लेकिन अगर अदर पार्टियों की अगर हम बात करते, बीजेपी हो या सपा पार्टी हो या कांग्रेस हो, अगर इस तरीके से कोई भी सम्मेलन करती है तो बीएसपी मौका नहीं छोड़ती है कहने के लिए, यानी कि कटाक्ष करने के लिए। तो ऐसे में ब्राह्मण हो या फिर प्रबुद्ध वर्ग हो, उन सभी को एकजुट करने के लिए माध्यम चुना गया और माध्यम इस तरीके से सम्मेलन करके चुना गया क्योंकि ऐसे में एक स्टेज पे महान प्रबुद्ध लोगों को जोड़ के वोट बैंक की राजनीति जरूर होगी। तो बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी अपना प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है, तो क्या दोनों में क्या कोई लिंक है, क्या मायने हैं इनके? देखिए, मैंने पहले भी कहा है और फिर एक बार ये कहूंगी कि समय बहुत कम है और विधानसभा चुनाव बहुत करीब है। अब ऐसे में महापंचायत किसान जो कर रहे हैं, यानी कि इस टाइम देखने वाला है मुजफ्फरनगर में भी कि जो जमीनें हैं बिल्कुल पटे पड़ी है गाड़ियों से और शायद पूरी तरीके से होर्डिंग और लोगों से भरा पड़ा हुआ है। ठीक उसी ही तर्ज पे बाकी जगह की बात अगर हम करते हैं, जिन जिन जगह पे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की बात की जा रही है, यहाँ पे भी वही हालात दिख रहे हैं। लखनऊ की अगर हम बात कर रहे हैं खासतौर से, तो लखनऊ में भी शाम 5 बजे का प्रोग्राम फिक्स किया गया है, लेकिन जो तैयारियां हैं वो देखने लायक है, यानी कि लोगों का जमावड़ा, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जब आगे के जो भी लोग इसमें जुड़ेंगे उन सभी का जो जमावड़ा आना शुरू हो गया है। तो ये बिल्कुल साफ है कि ऐसे में बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति शुरू हो चुकी है, ये मौका कोई नहीं छोड़ना चाहता है, चाहे बीएसपी हो या बीजेपी हो।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए रूबी। तो तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं, बीजेपी पूरी तैयारियों में है, कैसे इस जनता के बीच पहुंचा जाए, कैसे जाना जाए कि इन 4.5 सालों में जो बीजेपी ने वहां काम किया है उसका रिपोर्ट कार्ड कैसा है, कितने मास्क यहां बीजेपी को मिल रहे हैं जनता की तरफ से, ये कोशिश की जा रही है जानने की। और ये जरूरी भी है क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बीजेपी 4.5 सालों में यानी कि पूरे 5 साल तब तक हो जाएंगे क्या काम किया है, जनता क्या सोचती है, कितना विश्वास रखती है, ये तमाम पहलू हैं जिन पर बीजेपी को काम करना है और अभी से ही ये जानना जरूरी है, तभी 2022 में बीजेपी वही जीत दोहरा पाएगी जो 2017 में उसने दोहराई थी। तो ऐसे में बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रही है, चाहे वो ब्राह्मणों को साधने की कोशिश हो, चाहे वो दलितों को साधने की कोशिश हो, मुसलमानों को साधने की कोशिश हो, हर तरफ लगातार कोशिश की जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती है कि वो किसी एक वर्ग के लिए यहां पर नहीं है, पूरे प्रदेश की जनता के लिए है, चाहे वो कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, हर किसी के साथ बीजेपी खड़ी है क्योंकि बीजेपी की कोशिश है कि प्रदेश की जनता का विकास हो, प्रदेश की जनता को मूलभूत सुविधाएं मिले जिससे लगातार जनता वंचित रही है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर पूरा एक, अगर मैं कहूँ तो, प्रोपेगेंडा सेट है कि किस तरह से आगे अब बीजेपी को फूंक फूंक कर कदम रखने हैं। ये जो 3-4 महीने हैं इस पर बीजेपी पूरी तरह से फोकस करने वाली है। अंशु अवस्थी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंशु जी, सबसे पहले आपका न्यूज पॉल इंडिया में बहुत स्वागत है। अश्विनी शाही नाम है हमारा, माफ कीजिएगा। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। जी धन्यवाद। अश्विनी जी, बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन क्या कुछ खास रहने वाला है, इसमें सबसे पहले ये बताइए क्या समझ सकते, किस तरह से हम इसे समझें? देखिए, बीजेपी सभी दलों के लोगों के साथ कोई इसमें कोई समझने वाली चीज नहीं है। बीजेपी पूरे प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग के साथ, मतलब यानी कि सभी वर्ग के लोगों पे, जो लोग हैं सभी प्रबुद्ध वर्ग लोगों के पास जाएगी। इसमें हमने जातिगत आधार को तोड़ने का काम किया है, जो हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, उस पर हम काम कर रहे हैं। इस सबके साथ सारे प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन करने का मतलब यहाँ पर हम जातिगत सीमाओं को तोड़ते हैं। जी जी अश्विनी जी, जैसे कि 4.5 साल सरकार के हो चुके हैं, 4.5 साल, और लगातार मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है जनता के बीच पहुंचने की और अपनी एक अच्छी पहुंच बनाई भी है बीजेपी ने और ढेर सारे काम योगी सरकार ने किए हैं, लेकिन क्या कोई कमी रह गई है जिसे बुनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है? देखिए, संपूर्ण भी नहीं होता, ये कहा गया है संपूर्ण संपूर्णता की तरफ आदमी बढ़ने की कोशिश करता है, मगर ये है कि हम प्रदेशवासियों के सामने अपने सारे कामों को लेकर जाएंगे, फिर भी कोई ना कोई हमारे साथ कमी रहेगी। अभी प्रदेश में बहुत कुछ करना बाकी है, 5 सालों में जो 2022 में चुनाव होंगे, आने वाले जो अगर 5 सालों में बीजेपी आती है तो क्या बीजेपी पूर्ण विकास प्रदेश का करेगी? हेलो अश्विनी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल अश्विनी जी, मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आने वाले समय में बीजेपी की सरकार वापस प्रदेश में बनती है तो क्या कोशिश रहेगी, किस तरह से अब काम होगा, जो गलतियां इसमें दोहराई गई हैं इन बीते 5 सालों में, आगे क्या उन गलतियों को ठीक किया जाएगा? देखिए, आपने कहा अगर आती है, अगर का अगर मगर का कोई सवाल नहीं है। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता का साथ हमारे साथ है और हम लोग आ रहे हैं। जी, दूसरी बात यह है कि हमने कोई इसमें गलती नहीं किया है, हमने करने की कोशिश की है, जो पिछली सरकारों ने जो गड्ढा खोदा था उस गड्ढे को भरने की कोशिश की है, हमने हर क्षेत्र में। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि आप उस गड्ढे को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। हाँ ठीक है, तभी तो थोड़ा सा मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए, मैं बताता हूँ गड्ढा कैसे बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, ये पूरा प्रदेश शिक्षा का स्तर कहा था, आज हमने शिक्षा का स्तर पूरा चेंज करके उठाने का प्रयास किया है। हमने सीएचसी जो पिछली सरकारों के द्वारा खत्म से हो गए थे उसको उच्चीकृत करने का काम किया है। आज पूरे प्रदेश में हम 30 मेडिकल कॉलेज खोल चुके हैं जिसमें जो है डॉक्टरों की संख्या किस कदर बढ़ेगी ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य में, शिक्षा में,
बिजली आज 24 घंटे हम दे रहे हैं, सड़कों का जो जाल है हमने बिछा दिया है, आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम एक नंबर पर हैं और अपनी स्थिति को हम इतना सुदृढ़ देखते हैं कि पूरे भारत से पूरे विदेशों से लोग यहाँ आकर अपने अपने रोजगार लगा रहे हैं, अपने उद्योग लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने किया है, इसको अगर आप गड्ढा कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ। चलिए ठीक है अश्विनी जी, आप इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस कोरोना काल में योगी सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया है और तारीफें सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी हुई है, लेकिन आप मुझे बताइए कि हर साल ये जो बीमारियां आती हैं, वायरल बुखार जो इस समय चल रहा है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, इसको लेकर क्या तैयारी सरकार कर रही है? स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्यों दुरुस्त नहीं हो पा रही हैं? कहां कमी रह गई है? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की जो समस्याएं थी पिछली सरकारों में बहुत ही लचर हो चुकी थी। ये इधर जब भारतीय जनता पार्टी की 2017 के बाद सरकार आया तो हम लोगों ने देखा कि ये स्वास्थ्य सेवाएं कितनी नीचे तक जा चुकी हैं। डॉक्टर पीएचसी पर नौकरी नहीं करता था, डॉक्टर वहां जाता नहीं था, वहां कंपाउंडर पीएचसी और पीएचसी चलाते थे। अब हम लोगों ने वहां पर बेहतर पहुंचाने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी अभी हम 100% नहीं कह सकते हैं कि सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। उसमें कुछ कमी जो रह गई है उसको पूरा करने का काम हम कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये जो बीमारियां आती हैं, मौसम बदलता है तो बीमारियां आती हैं, हम फिर उसको लड़ने का 75 जिलों में हमने आईएएस अफसरों को नोडल अफसर बनाया है, जो डॉक्टर्स के ऊपर, स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर नजर रखेंगे, कैसे सफाई होनी चाहिए अस्पतालों में, कैसे हम स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। तो ये इस समय जो भी रोग है, जो भी बीमारी आ रही है, उससे हम लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो दुखद मौतें हो गई हैं उसके लिए हम लोग श्रद्धा सुमन ही दे सकते हैं, वो तो दुखद है ही है। बिल्कुल अश्विनी जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, बीजेपी ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि पिछली सरकारों ने जो गड्ढे खोदे थे वो हमने भरे हैं और आगे भी ये कोशिश लगातार जारी रहेगी और बीजेपी को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि 2022 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनती हुई नजर आएगी। वहीं मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत जारी है। ये महापंचायत जीआईसी ग्राउंड में हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए यूपी के अलावा पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे 15 राज्यों से किसानों के जुटने का दावा किया जा रहा है और तस्वीरें भी ये बयां कर रही हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर जो लंबे समय से आंदोलन चल रहे वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहां से भी किसान इस महापंचायत में शामिल होने जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत होगी। राकेश टिकैत का काफिला मुजफ्फरनगर पहुंच चुका है और वो किसानों के बीच भी पहुंचे हैं। उनके स्वागत के लिए सड़कों की जो दौड़ है वो किसान लगाते हुए नजर आ रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में भीड़ भी इकट्ठा हुई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक घर वापसी नहीं होगी। जो लोग आजादी की लड़ाई के लिए लड़े हैं उन्हें काला पानी की सजा हुई तो वो कभी घर गए ही नहीं। ये भी एक तरीका का काला कानून है और जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक घर नहीं जाएंगे। यानी कि साफ कहा जा चुका है कि कृषि कानून अगर सरकार वापस नहीं लेती तो किसान वापस नहीं जाएंगे, आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। तो राकेश टिकैत पहुंचे हैं लेकिन क्यों जमीन पर कदम नहीं रखेंगे, हम आपको बता रहे हैं। राकेश टिकैत महापंचायत में किसान नेता पहुंच चुके हैं। बता दें कि टिकैत मुजफ्फरनगर के ही रहने वाले हैं और जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से ही उन्होंने यहां कदम नहीं रखा है। टिकैत ने पंचायत में पहुंचने से पहले कहा, जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से मैं पहली बार मुजफ्फरनगर जा रहा हूं और वो भी गलियारे से जाऊंगा, वहां की जमीन पर कदम भी नहीं रखूंगा और अपने घर की तरफ देख लूंगा, वहां के लोगों को भी देख लूंगा। टिकैत आगे कहते हैं कि इसे आप जो भी समझ लीजिए लेकिन जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। जो लोग आजादी की लड़ाई के लड़े उन्हें काला पानी की सजा हुई तो वो कभी घर गए ही नहीं। ये भी एक तरीके का काला कानून है और जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक घर नहीं जाएंगे। गांव समाज और संयुक्त मोर्चा ने मुझे बस इतनी ही परमिशन दी है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हम मुजफ्फरनगर नहीं जा सकते, हम सिर्फ गलियारे से जाएंगे और हाईवे से लेकर मंच तक ही जाएंगे। तो ये बातें राकेश टिकैत कहते हुए नजर आए हैं। हालांकि उनका जोरदार स्वागत यहाँ पर शुरू हुआ है। उनका कहना है कि वो मुजफ्फरनगर की धरती पर कदम नहीं रखेंगे और जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक वो मुजफ्फरनगर की धरती पर कदम नहीं रखेंगे, यानी कि उनकी घर वापसी नहीं होगी।
ते तमाम बातें राकेश टिकैत यहाँ कहते हुए नजर आए हैं। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और किसानों की महा पंचायत भी आज सुबह से ही जारी है। लाखों की संख्या में किसान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और मुजफ्फरनगर से मेरे सहयोगी आदेश सैनी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? राकेश टिकैत वहां पहुंचे हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने? और जो संयुक्त मोर्चा है, संयुक्त मोर्चे की आपस में मीटिंग चल रही है और मीटिंग के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह की आगे की जो रणनीति है तैयार होगी, किस तरह से आंदोलन चलाया जाएगा। जी, ये जो संख्या है किसानों की, ये कितनी और बढ़ सकती है? देखिए, लगातार अभी किसानों का लगातार अलग अलग राज्यों से पहुंचना यहाँ लगातार जारी है। अपने वाहनों से लगातार किसान मुजफ्फरनगर डीआईसी मैदान के अंदर पहुंच रहे हैं और लगभग पूरा मुजफ्फरनगर डीआईसी मैदान सहित अन्य जो नगर है, नगर में पूरी भारी संख्या किसानों की देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल आदेश, जिस तरह से यहाँ पर राकेश टिकैत कहते हुए नजर आए हैं कि वो मुजफ्फरनगर के ही रहने वाले हैं, तो मुजफ्फरनगर यानी कि अपने घर की धरती पर वो पैर नहीं रखेंगे जब तक कृषि कानून वापस नहीं हो जाते। तो ऐसे में आदेश, तो ऐसे में आगे क्या रणनीति तैयार हो रही है, क्या सुगबुगाहट है वहां पर? बिल्कुल, 9 महीने बाद आज ठीक मुजफ्फरनगर में उन्होंने कदम रखा है, मुजफ्फरनगर की सरजमी पर पहुंचे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार गाजीपुर जो बॉर्डर पर जो धरना प्रदर्शन किसानों द्वारा दिया जा रहा है वह चलता रहेगा जब तक किसानों की मांग सरकार द्वारा पूरी नहीं की जाएगी। जी बिल्कुल आदेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत जो है वो पंजाब से हुई, हरियाणा पहुंची, फिर लेकिन अब पूरे तरीके से जो किसान आंदोलन है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिमटा हुआ है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, कुछ किसान जो संगठन है, कुछ किसान संगठन जो राकेश टिकैत है उनसे रुष्ट है। उनका साफ तौर पर कहना है कि राकेश टिकैत अब कहीं ना कहीं राजनीति के शिकार हो रहे हैं और अन्य जो राजनीतिक दल हैं उन्हीं के इशारे पर यह जो संगठन जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उन्हीं के इशारे पर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जी बिल्कुल आदेश, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में ये महापंचायत सुबह से ही जारी है। 15 राज्यों के हजारों से ज्यादा किसान यहां पहुंच चुके हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि लाखों किसान यहां पर पहुंचेंगे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।